नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत करते हैं मेरे सीएससी डिजिटल इंडिया में। मैं आज आप लोगों के सामने और एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत ही काम के आने वाले हैं आप लोगों के। तो इससे पहले मैंने वीडियो आयुष्मान के भारत के अगेंस्ट में बहुत सारे वीडियो बनाए थे, उसमें यूटीआई की आईडी के जरिए कैसे आयुष्मान कार्ड बनाना है उसी को हमने दिखाई थी आप लोगों को। अभी आज हम लोगों को दिखाएंगे कि सीएससी के जरिए आप आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकते हो। जिन लोगों का मैपिन हुआ है उन लोग अभी तो सीएससी के जरिए आयुष्मान का कार्ड बना सकते हो, और जिन लोगों का मैपिन नहीं हुआ है तो मैंने बता दिया था पिछले वाले वीडियो में कि अपने डीएम से कॉन्टेक्ट करे और डीएम जो है आप लोगों का जो आयुष्मान कार्ड है उसका जो आईडी और पासवर्ड है वो जनरेट करके मैपिंग कर देगा। तो अभी मेरा पास फिलहाल एक मैपिंग हुआ सीएससी आईडी है, तो उसको कैसे आप सीएससी के जरिए कार्ड भी बनाओगे, कैसे उसका इंटरफेस कैसा होता है, सारे प्रोसेस इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना पॉज किए ही वो देखे और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखे ताकि सारे प्रोसेस है कैसे किस तरीके से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, कौन से साइज आपको बनानी है, सारे डिटेल्स में बात करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सीएससी डिजिटल इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूले ताकि जितना भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द मिलते रहे। अभी फिलहाल सीएससी में जो आयुष्मान का कार्ड बनाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी जो लिस्ट हम लोगों के पास एससीसी का लिस्ट है उसी के अगेंस्ट में बना सकते हैं, लेकिन थोड़े दिन में अगले दिन को कुछ दिन बाद में हम लोगों का जो एड मेंबर का ऑप्शन है वो भी एनाबल हो जाएगा। आप लोगों को आज दिखाएंगे कि ऐड मेंबर का जो ऑप्शन है वो तो है लेकिन एनाबल नहीं हुआ है, उसको एनाबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब एनाबल हो जाएगा फैमिली मेंबर कैसे ऐड करना है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए अभी फिलहाल बनाते हैं कैसे उसको देखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। जब ऐड फैमिली का ऑप्शन आएगा तभी मैं फिर से वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी कि ऐड कैसे करना है। तो चलिए अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले सीएससी को लॉग इन कर लेना है। सीएससी का जो आप यूजर आईडी पासवर्ड है उसी से लॉग इन कर लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन कर ले, कोई भी ब्राउजर ओपन करने के बाद वहां पे आपको लिखना है setupmg.gov.in पे, यहां पर एंटर करें। इस वाला लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाके भी आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इस इंटरफेस को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप देखोगे ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इसमें जो होम पेज है इस होम पेज पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे दूसरे पेज पे लेके जाएगा, इस पेज में से हमारा दूसरे पेज पे लेके जाएगा। तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं सेतु पीएमजी वाला पेज पे, ठीक है। इसमें क्लिक करने के साथ आप देख सकते हो दूसरे पेज पे फिर से ऑटो रिटर्न करके लेके जाएगा हम लोगों को। थोड़ा सा वेट करना है, जो सर्वर का इशू होता है तो टाइम थोड़ा लेता है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें। जो पेज है पेज को रीलोड होने देते हैं, अभी रीलोड हो रहा है, इसको रीलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस तरीके से आप जो एसएससी का लिस्ट के अगेंस्ट में जितने बंदे हैं उन लोगों का सारे आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हो सीएससी के जरिए, अभी सीएससी में मैपिंग हुआ है। तो आगे जिन लोगों के पास यूटीआई का आईडी नहीं है तो यूटीआई के अभी तो पहले तो यूटीआई से बनाते थे, लेकिन हम लोगों के पास सीएससी है तो सीएससी है तो सीएससी से जरूर करें। सीएससी से काम करने से बहुत अच्छा होता है, फायदा भी होता है, उसको गाइडलाइन भी मिलता है, गाइड भी मिलते हैं या डीएम से स्टेट टीम से। तो इसके बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे, इसमें देखिएगा आप यहाँ पर रजिस्टर एंड साइन इन बटन है, इसमें आपको क्लिक करना है रजिस्टर एंड साइन इन बटन पर। जब यहाँ पर क्लिक करोगे फिर से आपको दूसरे पेज पे लेके जाएगा, लॉग इन वाला पेज पे आपको लेके जाएगा। उसमें अपना सीएससी आईडी और पासवर्ड पहले से अपने अगर लैपटॉप में सेट करके रखा है तो ऑटोमेटिक रिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक ऑपरेटर और सेल्फ यूजर, अपना ऑपरेटर पर रखना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा आपका, एक और एक ऑप्शन है इसमें सीएससी कनेक्ट, सीएससी कनेक्ट पर आपको क्लिक करना है। सीएससी कनेक्ट पर जब क्लिक करेंगे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद आप साइन इन करिएगा। अगर साइन इन हो के आपका डैशबोर्ड ओपन होता है तो डैशबोर्ड किस तरह का होता है मैं दिखाऊंगी इसके बाद में। तो डैशबोर्ड ओपन होता है तो आपका सीएससी आईडी मैपिंग हो जाएगा और लॉगिन होगा। अगर लॉगिन नहीं हो रहा है अपना सीएससी आईडी और पासवर्ड देने से बैक होकर यही पेज पे रिडक्ट होता है तो इसका मतलब अपना सीएससी आईडी मैपिंग नहीं हुआ है। तो उसे डीएम से कॉन्टेक्ट करें, डीएम से बोलिए अपना आईडी और पासवर्ड मैपिंग करने के लिए। तो चलिए मैं फिलहाल यहाँ पे सीएससी कनेक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। सीएससी कनेक्ट पर क्लिक करने के साथ ही साथ में हमारा डैशबोर्ड पे ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सीएससी से अपना
आयुष्मान कार्ड बनाना है, तो सारे पेज आप निकल के आएगी, थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं जब तक ये फाइल ओपन होती है, जो ब्राउजर है उस ब्राउजर ओपन होते हैं। तो ओपन होने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर इस पेज पे आप नहीं आ रहे हो, इसका मतलब अपना CSI मैपिंग नहीं हुआ है, अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट करता है कि सर ऐसा ऐसा होता है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तो जरूर देखिएगा, तो बात समझ में आएगा। बीच में कट करके देखेंगे तो समझ में कुछ नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो को देखिए शुरू से लेकर, इस तरह का सर डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक कुछ ऑप्शन ऐसे अवेलेबल है जो सर्विस हम लोगों को CSE के अगेंस्ट में दिया जाएगा, वो सारे सर्विस यहाँ पर शो करेगा। एक तो आप देख सकते हो PMJY SSC का है, एक PMJY कंसीडर्ड, इसके डिटेल्स मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी दिए दिए थे आप लोगों की, जो कौन सा सर्विस इसमें अवेलेबल है, सारे अवेलेबल सर्विस मैंने दिए थे पहले से। तो अभी यहाँ पर बताएंगे कि उसमें आपको CSE के जरिए आयुष्मान, किसी की बंदे का आयुष्मान कार्ड कैसे बनाओगे, ठीक है ना, उसकी प्रोसेस मैं बताऊंगी यहाँ पर। अभी फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा पास एक ऑप्शन है इसमें, यहाँ पर जो ऑप्शन आप देखोगे ना इसमें PMJY SSC वाला ऑप्शन, इसमें हमारा दो तीन ऑप्शन और खुल के आ जाएगा जब यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें एक तो सर्च फॉर विलेज का, विलेज के नेम के अगेंस्ट में विलेज सिलेक्ट करके आप यहाँ पर से भी नाम सर्च कर सकते हो। उसके बाद सर्च बाय SSID से, राशन कार्ड से, एड मेंबर का ऑप्शन मैंने बोला था आप लोगों का, यहाँ पर एड मेंबर का आया है। लेकिन एड मेंबर में हम अगर क्लिक करते हैं तो कौन सा रिस्पॉन्स आता है आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए जब एड मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इसमें कोई नहीं है, इसमें क्लिक यार सर्च बाय विजिट और SSID सेम ऑप्शन है। अभी तक फिलहाल एड मेंबर का ऑप्शन नहीं दिया है, अलाउ नहीं हुआ है, तो जब तक अलाउ हो जाएगा आप लोगों को बता देंगे। तो वीडियो का चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो बनाऊंगा उसके बाद आप लोगों को पास नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हमको कि सर्च करना है, मेरे पास अभी फिलहाल SSID है या तो राशन कार्ड नंबर है मेरे पास, तो मैं इस दूसरा वाला ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अगर आप लोगों के पास SSID और या तो राशन कार्ड नहीं है, तो उसमें आप विलेज सर्च करके विलेज के नाम के अगेंस्ट में जिस बंदे के बनाना चाहते हो उसका नाम सर्च कर लीजिएगा। तो मैं फिलहाल सर्च बाय SSID और राशन कार्ड पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट का नाम सिलेक्ट करिएगा, जिस स्टेट से आप है तो उस स्टेट का नाम सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर रेशन कार्ड और HSID जो भी है आपके पास, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मेरे पास यहाँ पर एक HSID है, तो उसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना HSID डालिएगा। इसमें आईडी डालने के बाद इसमें गेट ऑप्शन है, क्या है, गेट डिटेल्स का एक ऑप्शन है यहाँ पर आप शो करेगा, तो इसमें आपको क्लिक कर लेनी है। तो मैं गेट डिटेल्स पर क्लिक करूंगा, उसके बाद सर्च होने देते हैं। इसके सर्च होने के लिए साथ ही में आप देखोगे इसमें जिन लोगों का, जिन जिन बंदे का यहाँ पर क्या है और क्या ऑप्शन है, जिस जिस बंदे का कार्ड नहीं बना है यहाँ पर शो करेगा कार्ड नॉट मेड है, और जिन लोगों का बना हुआ है। तो इस तरीके से आप देखोगे नीचे और एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर व्यू का एक ऑप्शन है। इसमें व्यू में जब क्लिक करेंगे, जिस बंदे का आपका बना नहीं उसके अगेंस्ट में आप व्यू का ऑप्शन को क्लिक करिएगा। क्लिक करने के साथ ही में आपको यहाँ पर जो KYC का पेज है, KYC का पेज खुलेगा। तो मैं यहाँ पर एक बंदा का नाम सिलेक्ट करेंगे, वहां पर व्यू पर क्लिक करेंगे। जब व्यू पर क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे ऑटो रिडक्ट करके लेके जाएगा, तो उसमें हमको थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें गेट डिटेल्स पर एक ऑप्शन है, इसमें हमको यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। यहाँ से अपना आधार नंबर डालना है, अपना आधार नंबर डाल के इसमें फिंगर लेनी है अपना। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर डालिएगा जो इस कस्टमर का बनाना चाहते हो, तो इसमें हम आधार नंबर डाल लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद गेट डिटेल्स पर आपको क्लिक कर लेना है। गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, गेट डिटेल्स पर क्लिक करने के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो जितने उन आधार कार्ड के अगेंस्ट में जितने लोगों का यहाँ पर अगेंस्ट में है, तो उसको आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। जिनका आधार आप बनाना चाहते हो, रेशन आयुष्मान का कार्ड, यहाँ पर आपको उसका नाम पे सिलेक्ट कर लेनी है। साइड में आप देखोगे यहाँ पर एक बॉक्स है व्हाइट कलर का, इस वाले बॉक्स में टिक मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर लेनी है।
तो मैं यहाँ से आपका नाम सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर उसका उस बंदे का नाम डिटेल्स आ गया। उसके बाद आप अपना आधार नंबर डालिए, सारे फॉर्म को फिलअप करिए, गार्जियन का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह पर डालने के बाद यहाँ पर एक ओटीपी का ऑप्शन है और तो डेमो है, फिंगरप्रिंट है, आधार को वेरीफाई करना है, तो ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और थोड़ा प्रोसेस होने देते हैं ओटीपी क्रिएट होने में, जब तक हमारा ओटीपी क्रिएट होता है। अभी यहाँ पर ओटीपी सेंड कर रखा है, सेंड कर रहा है लेकिन अभी तक सेंड नहीं हुआ है। तो उसके बाद फिर से आपको ओटीपी गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, फिर से आप गेट ओटीपी पर क्लिक करें। अगर ऐसा होता है बार बार, आप दो तीन बार क्लिक करिएगा ओटीपी अब बैठाने का अपना, जब तक ओटीपी आकर ऑप्शन नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए अभी इंटर ओटीपी का ऑप्शन आ गया, ओटीपी वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से अपना नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आपको सामने कुछ ऐसा रिव्यू आएगा, एक रिव्यू पेज आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप एग्री पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर कैप्चा कोड को एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। जब सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा ऐसा प्रोसेस होने देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए मेरा एक कार्ड ऑलरेडी स्कीम पे अप्लाइड है। तो इस तरह से आप एक कार्ड बना सकते हो। अपना यहाँ पर नीचे एक रेफरेंस कोड आएगा सबमिट करते हुए, रेफरेंस कोड को आपको नोट भी करना है। और उसको देखने के लिए आप कहाँ पर जाओगे, अपना जो कार्ड अप्लाई किया हुआ है उस कार्ड को कहाँ से देखोगे। मेरे पास इस तरीके से आप कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। तो कार्ड को देखने के लिए सबसे पहले आपको फिर से वही वाला पेज पे जाना है। कार्ड को देखने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कौन सा कार्ड आपने अप्लाई किया, कौन सा डेट पे। यूजर एक्टिविटी पर आपको जाना है, यूजर एक्टिविटी पर जाएंगे हम, यूजर एक्टिविटी पर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आयुष्मान कार्ड अप्लाइड हिस्ट्री पर आपको जाना है। यहाँ पर हिस्ट्री पर जाने के लिए बाद आप देखोगे यहाँ पर डेट आपको स्विच करना है, कौन सा डेट से आपने अप्लाई किया था उसी डेट को आपको सिलेक्ट करना है। इस ऑटोमेटिकली प्रेजेंट वाला डेट सेट होता है, लेकिन आप पिछले वाला महीने का भी डेट अपने आप की तरफ से सेट कर सकते हो। तो इसमें डेट को आप सिलेक्ट करना है। तो मैंने जिस डेट से अप्लाई किया था उस डेट में देखेंगे, जिस कार्ड को अप्लाई किया था वो कार्ड का जो लिस्ट है यहाँ पर शो करेगा। जितना भी कार्ड आपने बनाया है उतना सारा कार्ड यहाँ पर नीचे शो हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है। तो देखिए मैंने जिस बंदे के दिखाया था यहाँ पर एक मैंने कार्ड अप्लाई किया है। अभी फिलहाल एक पेंडिंग फॉर अप्रूवल थे, बट इसमें कार्ड पर ऑप्शन स्टेटस रिजेक्टेड है। इसको फिर से हमको अप्लाई करना है थोड़े दिन में। अगर ऐसा रेस्पॉन्स आता है कि आपका कार्ड बार बार रिजेक्शन हो रहा है तो इसमें फिर से आपको ट्राई करना है। दो तीन बार ट्राई करेंगे तो खुद अपना आप जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से अपना कार्ड बना सकते हो सीएससी के जरिए। अब जितना भी प्रोसेस है मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सीएससी डिजिटल इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद सीएससी डिजिटल।